हेलो लखनऊ, हम हैं हसीना मलिक और आपका इस शो में स्वागत है जिसका नाम है कायदे में रहिए फायदे में रहिए। हम जानते हैं आप सब क्या सोच रहे हैं कि हमने पुलिस की नौकरी छोड़कर आरजे बनने का फैसला ले लिया है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अब भी वही हैं, आपकी SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। दरअसल ये शो हमारी तरफ से एक कोशिश है आप सबसे डायरेक्टली जुड़ने की। हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग हैं जो पुलिस से डायरेक्टली अपनी बात नहीं कह पाते, अपनी मुश्किलें डिस्कस नहीं कर पाते, डरते हैं, झिझकते हैं, और इसीलिए हमने ये तय किया है कि आज से हर रोज एक घंटा हम ये शो करेंगे। आप बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमें बता सकते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हम उन सब प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और उन सब का हल निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमें फोन करिए, हम इंतजार कर रहे हैं। और तब तक के लिए सुनिए ये गाना। बहुत बढ़िया मैडम सर, शुरू हो गया जज्बातों का टंटा। फोन बजा, पहला कॉल है मैडम सर। प्रथम कॉल, बस हो गया, हो गया, गौनी का कौन? कौन बोला ये सब करने? माँ ने कहा। चुप रहोगे सब। हेलो, देखिए नाम पता डिटेल ये सब मत पूछिएगा मैडम, बता नहीं पाएंगे, मजबूरी है, प्रोफेशन ही ऐसा है। हमारे प्रोफेशन में पर्सनल डिटेल बहुत टॉप सीक्रेट होता है। क्यों, ऐसा क्या प्रोफेशन है आपका? चोर है जी। इसके बड़का पापा है, इसके बड़का पापा है। ए नहीं, वो तो चले गए। तुम लोग चुप रहोगे, पूरी लखनऊ सुन रही है बातें। जी जी, बहुत पुराने रजिस्टर्ड चोर है, लोगों के माल पर हाथ साफ करते हैं। आपका और अपना दोनों का टाइम बचाते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी समस्या है हमारे हाथ, मैडम बहुत कंट्रोल करते हैं पर ससुरे कंट्रोल होते नहीं। जहाँ कहीं बटुआ, चेन, घड़ी, पर्स देखते हैं, हाथ ऑटोमेटिकली बेकाबू हो जाते हैं, अपने आप चलने लगते हैं। रोकना चाहते हैं मैडम, कोई तरीका बताइए इन्हें रोकने का। अरे कैसे कंट्रोल करें अपने हाथ को? ओके मैडम सर, दिस इज कॉल फ्रॉम माय डिपार्टमेंट, मे आई? ठीक है संतोष शर्मा, ये रेडी करिए। ओके जो भी लो, रेडी? हाँ रेडी। चल बिलो, ऑल द बेस्ट। हेलो चोर, अच्छा एसोसिएशन। हाँ हाँ, इसमें आपका ये चोर बिल्लू चंपत स्वागत करता है और मेरे चोर भाई इस सीनियर चोर का आपको एडवाइस है। ये चोरी का ख्याल मन में आता है, आपके हाथ पैर कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो आप अपने पर्स में एक फोटो रखिए। और फोटो किसका? SI करिश्मा सिंह का। जैसे ही चोरी का ख्याल आपके मन में आए वो फोटो निकाल कर देख लेना। ये ख्याल जो है, बुरे बुरे ख्याल सडनली गायब हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपने चोरी करना चाहा तो करिश्मा सिंह इस दुनिया से आपको गायब कर देगी। ये इसी लाइन पे ये गाना सुनिए, चोरी चोरी जब जी। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, अपने पर्स में फोटो जरूर रखिए, लेकिन किसी और का नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप का। और जब भी आपके मन में कोई भी उल्टा सीधा ख्याल आए तो उनका फोटो देखिए और याद कीजिए कि आप वही काम करने जा रहे हैं, वो इंसान बनने जा रहे हैं जो आपके माँ बाप चाहते थे कि आप बड़े होकर बने। क्या आपकी ये काम करने से आपके माँ बाप को आप पर फक्र होगा या शर्मिंदगी होगी? इसलिए जब भी आपको चोरी चकारी करने का मन करे तो अपने माँ बाप को याद कीजिए, अपने दोस्तों को याद कीजिए, अपने शुभ चिंतकों को याद कीजिए, क्योंकि आपके नाम से उनका नाम जुड़ा है, आपकी इज्जत से उनकी इज्जत जुड़ी है। जज्बातों से सोचिए, ईमानदारी से सोचिए और हमें पूरा यकीन है कि आपकी बुरी आदत बहुत जल्द छूट जाएगी। सही कहा मैडम, अपने मैया के बारे में ही सोच रहे हैं। हमारी मैया कहां हमको ऐसा बनता हुआ देखना चाहती थी, अब तो हमारी मैया का आशीर्वाद ही हमें बचा सकता है। मैया बचाने वाली थी मैडम, पर ये तो काली मैया का अवतार आ गई। दो चार महीने तो वैसे ही हाथ काबू में रहेंगे, टूटे हुए हाथों से कौन चोरी करेगा? आज तो दोनों हाथ टूटने वाले हैं मैडम।
हेलो हेलो, ये क्या हुआ? एनीवेज, हमारा अगला कॉलर। हेलो जी, बोलिए, क्या मामला है, क्या तकलीफ है? वही सदियों पुराना मसला जी, सांप नेवले की लड़ाई। बहू से दुखी हूँ। एक मिनट, आपकी इस समस्या के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं, हम उनसे आपको कनेक्ट कर रहे हैं। हमारी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। सोशल डिस्टेंसिंग आंटी जी, इस रिश्ते में सोशल डिस्टेंसिंग का होना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब कहां से वार हो जाए, समझ रही ना आप? और खास करके तो आज के दिन। आज का दिन? अरे करवा चौथ है ना आज, भूल गई आप? सारी बहुएं भूखे पेट घूमती है और कुछ बहुओं को तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं होती, इसलिए फिर भूख से तिलमिलाई घूमती है, काटने को दौड़ती है पूरा दिन। और आप भी बताइए बहन जी, सास से ज्यादा आसान लक्ष्य बहुओं के लिए पूरी दुनिया में और कोई है नहीं, है ना? इसलिए फिर सारा गुस्सा सास पर उतरने का पूरा चांस है, चेता रहे हम आपको पहले से। हाँ, इसलिए सावधानी बरतिए। इनको समझा रहे थे उनकी बहू से, आप तो बहुत अच्छी है। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, सास बहू की लड़ाई इस दुनिया की सबसे पुरानी लड़ाई है, लेकिन सच बात तो ये है कि इसी नोकझोंक में उन दोनों के बीच का गहरा प्यार छुपा है। और जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगी, सारी मुश्किलें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। वाह। एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे के दर्द तकलीफ सब कुछ समझिए, उसका हल निकालिए और एक टीम बनकर रहिए। ये हम अपने पर्सनल तजुर्बे से कह सकते हैं कि जब एक सास और बहू एक टीम बन जाते हैं ना, तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर टीम होती है। इसलिए एक दूसरे से बात कीजिए, हल निकालिए और एक दूसरे के प्यार को समझिए। जी मैडम, हम समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ओके, कायदे में रहिए, फायदे में रहिए, और तब तक के लिए सुनिए ये गाना। अरे हाँ हाँ, कॉलेज पहुँच रहे हैं, तू कहाँ पे है? आ रहे हैं ना। और आज कौन सी मूवी देखनी है? पिछली बार वो वाली मूवी, इसमें बहुत बकवास दिखाई थी सच्ची। 2 घंटा से इंतजार कर रहे थे, अब आए हैं ये दोनों। हम आओ, रुको। क्या हुआ मैम? मोबाइल चालान। आई एम श्योर अब आप सब जानना चाहते होंगे कि मोबाइल चालान क्या होता है। ये सुना तुमने? ये तुम लोगों के साथ हो सकता है, समझ रहे हो हमारी बात को? कुछ भी, रुकिए मैं बात करती हूँ आपकी हसीना मैडम से। हेलो जी, कहिए। यस मैम, मैं आयुषी बोल रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ मेरा भाई भी है संजय, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हम कॉलेज जा रहे थे। मेरा भाई ड्राइव कर रहा था और मैं पीछे बैठी थी। मैम हमारी फ्रेंड का कॉल आ गया तो हम बात कर रहे थे, इसमें हमने क्या गलत किया मैम? आपके ऑफिसर करिश्मा मैम, उन्होंने हमें रोक लिया और हमें जाने नहीं दे रही है मैम, हमें परेशान कर रही है और वो कह रही है कि हमारा मोबाइल चलान हमारा कटेगा। मैम ये मोबाइल चलान क्या है, और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप एक काम कीजिए, आप फोन करिश्मा सिंह को दीजिए। ओके मैम, ओके। हेलो हेलो करिश्मा सिंह। मैडम सर, ये लड़का जो है ना, ये दोनों लड़का लड़की फोन पे बात कर रहे थे, अभी कुछ दुर्घटना हो सकता था ना, अगर बाइक से ध्यान हटेगा तो कुछ भी घट सकता है, खुद का जान भी खतरे में, सामने वाले का जान भी खतरे में, इसलिए हमने रोका मैडम सर। अब इनको थाना लेकर आएंगे, इनका मोबाइल जब्त करेंगे, फिर इनको गंभीरता समझ में आएगा। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आप कुछ भी करने से पहले आप फोन स्पीकर पर करिए प्लीज, हम आप दोनों से बात करना चाहते हैं। जी मैडम सर। आरुषि हमारी बात सुनिए, हमें लगता है कि करिश्मा सिंह बिल्कुल सही है, आपको गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, नहीं तो और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। करिश्मा सिंह आपको जिस चीज के लिए डांट रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मोबाइल चालान अभियान हम ही खुद शुरू करने वाले थे कुछ दिनों में, आपको बस इसके बारे में पहले पता चल गया। हाँ लेकिन एक बात ये भी है करिश्मा सिंह की ये इनकी पहली गलती है, और जहाँ तक हमें लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए इनका मोबाइल छीनने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज इन्हें लास्ट वार्निंग दीजिए और इनका मोबाइल वापस कर दीजिए। लेकिन अगर इसके बाद दोबारा कभी भी इन्होंने ऐसा कुछ किया तो आपको जो सही लगता है आप वो एक्शन इनके अगेंस्ट ले सकती हैं, लेकिन ये पहली बार है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए वार्निंग के साथ।
Thank you, ma'am. I really appreciate you. Thanks, ma'am. Good. All the best and be very careful next time. Yes, ma'am. और हम रोज आपका शो रेडियो पे फॉलो करेंगे. You are really a rock star. Thank you. Thank you. हमें लगता है आरुषि की प्रॉब्लम शायद बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई होगी. चलिए तो सुनते हैं अगला गाना. Thank you. जी मैडम सर. हम लोग जाएं मैम? अरे कहाँ चल दिए? जब तक मैडम नहीं आती ना यहीं पे रुको. देखिए हम आपका गुस्सा बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये यंगस्टर्स हैं, हमें इनकी बातें इन्हें इन्हीं की ज़बान में समझानी होगी. तभी तो वो हमारी बात मानेंगे, तभी तो वो समझेंगे अच्छे पुलिस वाले और बुरे पुलिस वाले के बीच का फर्क. जी मैडम सर, वो तो आपने उनको दिखाई दिया अच्छा पुलिस वाला और बुरा पुलिस वाला. अच्छे से डेमो के साथ सिखाया आपने. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद. जाइए. जा सकते हैं आप लोग. थैंक यू. पाओ क्या दोनों की दोनों? ना बड़ा ट्रक दिखाई नहीं देता है तुमको? अभी ट्रक के नीचे आते तो पोस्टर की तरह पड़े होते तुम दोनों की दोनों. फोन दो इधर. फोन तुम ला ना. दो फोन दो. आप हमारा फोन क्यों ले रही हैं? हाँ मैम, और हसीना मैम ने आपसे कहा ना कि हाँ? हसीना मैडम ने क्या कहा था हमें पता है. उनके कहने पे हमने तुम दोनों को छोड़ भी दिया था, लेकिन जैसे छोड़ा तो फिर बकलोरी स्टार्ट कर दिया अपना ये फोन के साथ. हाँ अभी कुछ होता था तो नहीं, मतलब एक बार माफ कर दियो तो क्या लाइसेंस मिल गया क्या दोबारा गलती करने का? टोपा समझ रखा है का? चलो पुष्पा जी चलो. लेकिन मैम कहाँ है, कहाँ है करिश्मा मैम? क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? मैम आपने हमारे बच्चों के, हाँ आपके बच्चों के फोन हमने ही जब्त किए हैं. कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है. पर लिए क्यों? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था बच्चों ने? टोपागिरी कर रहे थे सड़क पर, बकलोली चल रही थी फोन पे. करिश्मा सिंह जी, हमने आपसे कहा था कि उन बच्चों को बस वार्निंग देकर छोड़ दीजिए, तो फिर आपने फोन क्यों लिया? नहीं हमने छोड़ दिया था मैडम सर. छोड़ने के बाद फिर से उन्होंने बकलोली शुरू किया और इतना इतना बिजी हो गए थे फोन में कि सामने ट्रक नहीं दिखाई दिया उनको. दोनों के दोनों मर सकते थे, अपना जान भी खतरे में था, सामने वाले का जान भी खतरे में था. आप समझ रहे हमारी बात को, इसलिए हमें फोन जब्त करना पड़ा. क्यों पुष्पा जी? जी मैडम सर, ये बिल्कुल सही कह रही. दोपहर से दोनों ने अपने आप को अपने अपने कमरे में बंद कर लिए हैं. किसी के कहने पे दरवाजा नहीं खोल रहे. सुबह से कुछ कुछ खाया पिया भी नहीं है. बस यही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बच्चे. सोचते हैं कि थोड़ा बहुत रोएंगे माँ बाप के सामने तो छक मरा के माँ बाप हमारी बात मान लेंगे. बिल्कुल बात मत मानना उनकी. दो दिन बंद रहने दीजिए उनको कमरा में. भूख लगेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा ना, तब उनको समझ में आएगा गंभीरता. बहुत अच्छा, हमारे बाबूजी भी हमको ऐसे कमरा में बंद कर देते. थोड़ा आँच भी जरूरी होता है हीरे को तराशने के लिए. करिश्मा सिंह जी, ज्यादा आँच से हीरा कांच भी बन सकता है. प्लीज इनके इनके बच्चों के मोबाइल फोन इन्हें वापस कर दीजिए. हम वापस कर देते अगर हमारे पास होते तो. क्या? जी मैडम सर, हमने हेडक्वार्टर्स भिजवा दिए हैं ना. अगर आपको फोन चाहिए तो आप कल आ सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं, कल हम आपको वापस दे देंगे. तब तक ये दूसरा फोन खरीद दीजिए. नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी. बहुत धन्यवाद आपका. चलिए.
आया बिल्कुल है। हेलो हाय मैम, संजय बोल रहा हूँ। संजय हाय, कहो क्या हुआ? हमें आपको एक बात बतानी थी। हमने एक मोबाइल स्टोर से दो फोन चोरी किए। क्या? और हमें लगा कि ये बात बताने के लिए आपके इस शो से अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलेगा। क्या है ये बच्चे? क्योंकि इस चोरी के जिम्मेदार हम नहीं, ऐसा ही करिश्मा मैडम है। उन्होंने बिना अथॉरिटी के हमसे हमारा फोन छीना और हमें अपने पुलिस होने की धौंस दिखाई, इसलिए हमने ऐसा किया। जी, हमने पता किया है कि किसी भी एसपी रैंक के ऑफिसर को सिर्फ अथॉरिटी है किसी का फोन छीनने की, कॉन्फिस्केट करने की। किसी ऐसे ऑफिसर को नहीं। वो हमें डांट सकती थी, हमें समझा सकती थी, हमें वार्न कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हमसे हमारा फोन छीन लिया, जिनकी उन्हें अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? और आप, हम हमेशा आपको कहते हैं कि अपना दिमाग जो है थोड़ा काबू में रखिए, ठंडा रखिए उसे, मगर सुनती कहाँ आप हमारे? सुनने की आदत ही नहीं है ना। और इस चोरी की रिपोर्ट किसी ना किसी थाने में लिखाई ही जाएगी, इसलिए हम पहले ही आपको बता रहे हैं ये चोरी हमने की है और इस चोरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ करिश्मा मैडम की है। जी हाँ, क्योंकि टेक्निकली अगर हमने कानून तोड़ा है तो करिश्मा मैम ने भी कानून तोड़ा है। अगर हमें पनिशमेंट मिलेगी तो करिश्मा मैम को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक है। मैम, करिश्मा सिंह, हमने आपसे कहा था कि उन बच्चों का मोबाइल फोन लौटा दीजिए, तो फिर वो हेडक्वार्टर्स में है मैडम सर, वहां से लाना होगा हमें। हमें लगता था कि हमारे बीच चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप अपनी ड्यूटी हमेशा फॉलो करेंगी, ऑर्डर्स के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी और हमसे झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगी। लेकिन आजकल आप मुखालफत के साथ साथ नाफरमानी भी करने लगी है। हम जानते हैं कि वो मोबाइल फोन ड्रॉर में रखे हैं, वो हेडक्वार्टर्स कभी गए ही नहीं। जी, हमने झूठ बोला, उसके लिए हम माफी चाहते हैं मैडम सर। हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, पर आपसे एक बात कहना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, पर आप भी बहुत बार नहीं सोचती हैं कि किसके सामने हमें ऑर्डर देना चाहिए, क्या ऑर्डर देना चाहिए और किसके सामने नहीं देना चाहिए। हम इतना मेहनत से, शिद्दत से सच को कुरेद के वापस आते हैं और आप एक सेकंड लगाती हैं उस सच का पीपरी बजाने के लिए, जैसे उस सच का कोई महत्व ही नहीं है। देखिए करिश्मा सिंह, आपको नहीं, अभी हमारा बात पूरा नहीं हुआ मैडम सर। मेहरबानी करके आज आप हमारा पूरा बात सुनिए। हाँ, हमने उन बच्चों का फोन छीना, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना उनको लाइसेंस मिल गया फोन चुराने का। क्या वो सही है? वो गलत नहीं है? एक तो अपराध करेंगे, फिर ऐलान करेंगे और हीरोगिरी करेंगे कि उन्होंने चोरी किया, जैसे बहुत महान काम कर दिया हो। मतलब ऐसे गुमराह बच्चों को, मैडम सर आप बताइए, क्या उनको सही रास्ते पे लाना हमारा फर्ज नहीं है? करिश्मा सिंह, आप गलत नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि उन बच्चों ने जो कुछ भी किया वो सही था, वो गलत था, लेकिन वो बच्चे हैं करिश्मा सिंह, वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है जिनके साथ आप जोर जबरदस्ती करेंगी अपना पॉइंट समझाने के लिए। बच्चों को बच्चों की तरीके से समझाना होगा ना। और बात यहाँ पर उन बच्चों की है ही नहीं, बात है यहाँ पर मोबाइल एडिक्शन की, जो कि एक बीमारी है, जो जिसे हमें जड़ से उखाड़ना होगा, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तो हम पर भरोसा कीजिए। इस दुनिया में अगर हम खुद से भी ज्यादा किसी पर भरोसा करते हैं ना, तो वो आप है मैडम सर। लेकिन हम उस भरोसे पर अपने आत्मसम्मान का बलि भी नहीं चढ़ा सकते मैडम सर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बच्चे गलत हैं, नहीं बचाया होता ना, ट्रक के नीचे आके मर जाते दोनों। ठीक है, ओके, हम मानते हैं कि आपने जो किया सही किया। थैंक यू सो मच कि आपने उन बच्चों की जान बचाई, नहीं दिल से। लेकिन फिर भी करिश्मा सिंह, वो बच्चे हैं, आपने जो किया वो उसके बदले उन्होंने बस वो रिएक्शन दिया है, रिबेल कर रहे हैं, जो कि गलत है हम मानते हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या को हमें जड़ से उखाड़ना होगा, जो हम करना चाहते हैं और आप हमें करने नहीं दे रही हैं। संतोष शर्मा, हमने जो वो रिसर्च फिगर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या हुआ? अब जी मैडम सर,
मैडम से लगभग 16 करोड़ भारतीय है जो किसी ना किसी चीज से एडिक्टेड है और सिमिलैरिटी ये है कि कोई मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें किसी चीज की लत लगी है। क्या? हमने तो पहले ही कहा था। का कहा था? आपने पहले का कहा था पुष्पा जी, बताइए हमको। हमने कहा था मगर आपने सुना नहीं। सुनती भी कैसे, आपको आदत भी तो नहीं है ना। क्योंकि जब भी आप बाइक चलाती है, बाइक को रॉकेट बना के चलाती है ना, तो आपके पीछे कोई बैठे, कोई गिरे, कोई कुछ बोले, आपको तो सुनती नहीं कुछ। सब सुना ही आता है हमको। हमारे पीछे बैठकर जो दुनिया भर से आप हमारा बुराई करती रहती है ना, वो सब सुनते हैं हम। हाँ, वो जरूर सुनेंगे आप। आपके कान हमारी तरफ ही तो रहते हैं हर बार। देखिए पुष्पा जी, आप बोलिए। मैडम सर, आपको जो सही लगता है वही सही है। आप चाहते हैं हम उनको फोन वापस देते, हम दे देते हैं। पहले ही करते ना ये। मैडम, हमने सुना है कि हमारे बच्चों ने आज आपके रेडियो स्टेशन पर हंगामा मचा दिया। उन्होंने रेडियो स्टेशन पे ऐलान कर दिया, उन्होंने चोरी किया है और इल्जाम हम पे लगाया है। नहीं मैम, हमने कोई चोरी नहीं की। मोबाइल चोरी नहीं किए तो फिर झूठ क्यों कहा?